हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। वेल, दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि है बहुत ही छोटा, लेकिन आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। साथ ही इस देश के साथ हमारे देश का रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ के मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ के लोग नेचुरली फिट माने जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश का खाना खाने के बाद इंसान यहाँ की यादों में खो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि ये दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऋषियों की तपोभूमि थी, इसी कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं है। जी हाँ, ये भी कमाल की बात है, इतना छोटा सा देश लेकिन आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के लोगों ने इनके ऊपर हमला न किया हो, लेकिन नेपाल ने कई बार ब्रिटिश सेना को हरा दिया। वीर होते हैं यहाँ के लोग। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में हैं, जो इस देश को और भी ज्यादा मशहूर बनाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। क्या बात है, कभी मौका मिले तो आप इसे देखने के लिए जरूर जाएं। ये बहुत ही प्यारा देश है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। हालांकि इसे भारत में भी खूब खाया जाता है, हर फंक्शन में, हर पार्टी में। दोस्तों आपको बता दूं कि नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा का भाव देखा जा सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल में कुल आबादी के 21.3% लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेपाल के लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत ये हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इस देश ने कभी भी जातीय और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि ये देश आशीष जातीय समूह का घर है और यहां के लोग तकरीबन 123 अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं, जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। इसी तरह से नेपाल को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत खूब। नेपाल के लोग एक दूजे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा ही पड़ोसी देश भारत भी करता है। साधारणतः इसका अर्थ मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ होता है। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वो दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। जी हाँ, यहाँ का खाना भी भारत की तरह ही है। यहाँ के लोग बहुत हद तक हमारी वही सोच रखते हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं जनाब। बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पति होते हैं और वो सबके साथ संबंध बनाती है। जी हाँ, ये भी नेपाल की एक सच्चाई है। एक ही महिला कई पुरुष के साथ शादी कर लेती है। अब आप ही कहिए कि इस केस में क्या ही कहा जाए। आज भी इसको लेकर कई बार आवाज उठाया गया, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। जहां भारत में राम जन्म स्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे हैं, तो वहीं जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर ही बना हुआ है। जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू शहर के कुछ हिस्से लगभग 3 फीट तक उठ गए थे, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुए थे। इस भूकंप में लगभग 9000 लोग मारे गए और 21000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज किए जाते हैं और दुल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या नहीं दिखते। भारतीयों को नेपाल जाने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फोटो की जरूरत होती है। क्या बात है, तभी तो हम कहते हैं कि इस देश के साथ हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती है, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एटीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मैराथन
माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 70 रुपए प्रतिदिन कमाती है। इसके कारण नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। हालांकि भारत इस देश का बहुत सपोर्ट कर रहा है। भारत को पता है कि इस देश को कैसे मदद की जरूरत है और बड़े भाई होने के नाते भारत नेपाल की हर संभव मदद कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।